हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सूजी का हलवा। शुद्ध देसी घी का सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेनी है 250 ग्राम अच्छी साफ की हुई सूजी, उसको अलग रख दीजिए। उसके बाद एक कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में शुद्ध देसी घी उसको भी गर्म करके अलग से रख दीजिए। उसके बाद एक खाली एक कढ़ाई और ले लीजिए, उसके अंदर सबसे पहले ये सूजी है जो आपने साफ कर रखी है वो रखिए, और थोड़ा सा उसमें कढ़ाई से शुद्ध देसी घी निकाल के उसके दूसरी कढ़ाई में डालिए और उसको भूनिए। अच्छी तरह भूनते रहिए, सारा घी उसमें डाल दीजिए, देख लीजिए कितना घी उसके अंदर मेल्ट हो जाए। सामग्री उसमें जो इसकी सामग्री है, इसमें सूजी और घी अच्छी तरह मिलकर, और उसको अच्छी तरह भूनते रहिए। और जब ये रेड ब्राउन हो जाए, रेड ब्राउन होने के बाद इसमें आपने क्या करना है कि थोड़ा पानी डाल देना है, इतना पानी डाल दें कि थोड़ी सी गाढ़ापन उसमें रह जाए। उसमें पानी डाल देना है और उसको भूनते रहना है, थोड़ा सा भूनते रहना है। और उसके बाद देसी खांड, इसमें आधा किलो आपने देसी खांड डाल देनी है। डालने के बाद इसमें आपने जब उसको हिलाते रहिए और थोड़ा सा गाढ़ापन आने लगे और उसको निकाल लीजिए। और इसके बाद इसके ऊपर आपने किशमिश और बादाम डाल देने हैं। जब ये ठंडा हो जाए, आपका सूजी का हलवा कड़ा प्रसाद तैयार है, खा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।